नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। यह खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से आ रही है। आपको इंडिया बुक के बारे में तो पता ही होगा। इंडिया बुक में उन लोगों का नाम रखा जाता है जिन्होंने भारत के लिए कुछ ऐसा किया हो जो किसी ने नहीं किया हो। ऐसे ही खबर एक विकास पचौरी की आ रही है जो कि विदिशा के रहने वाले हैं। विकास पचौरी ने विदिशा में 80 घंटे स्पीच देकर इंडिया बुक में अपना नाम दर्ज कराया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद। अनुरोध है, जो बेदामी भी है और उसी की प्रेरणा से ये उन्होंने संकल्प 80 घंटे बोलने का लिया है। सबसे पहले निवेदिता राठौर ने ही ये टीवी पर देखा था, इसको ये सर्टिफिकेट देकर हमारे कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम जी, एसपी विनायक वर्मा जी और विधायक शशांक महाकाल जी से अनुरोध है कि ये सर्टिफिकेट निवेदिता राठौर को प्रदान करने की कृपा करें। इसी क्रम में एक और शख्सियत अब्दुल भाई साहब, प्लीज वेलकम टू द स्टेज। ये एक ऐसा शख्स है जिसको मैंने देखा है कि रात 2 बजे आते थे और रात के 2 बजे आने के बाद ये विकास जी का उत्साह वर्धन करते थे कि आप रुकना नहीं है, चले चलना है। तो ऐसे शख्स के लिए हम बैठ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय कलेक्टर जी इस सर्टिफिकेट को पढ़ के सुनाए। लॉन्गेस्ट स्पीच मैराथन, द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पीच मैराथन वॉज सेट बाई विकास पचौरी ऑन February 9, 1973 गार्डन विदिशा मध्य प्रदेश ऑन October 3, 2019। इसी बीच में मैं चाहता हूं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आप लोगों ने केवल अभी तक नाम सुना है, हम इस बुक को भी देख ले। मोदी जी को जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में दिलवा करके कृपया सहयोग प्रदान करें। पहुंच सके और ये सर्टिफिकेट हम मंच पर सबके
एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आया है। अब हमारे भारत में भारत की पहली ही एक चेतन की शक्तियों को और उभारने के लिए हमने इसे इजाद किया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो कि एशिया से रिलेटेड है, उनके साथ में काम करती है। हमारे नियम और कायदे बाकायदा जो एशियाई बुक है उससे चल उसके साथ में, तो ये पुराना रिकॉर्ड वर्किंग टॉप रिकॉर्ड 2018 और ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो भी 2019 अब इसमें आपके विदिशा का नाम भी शामिल होने जा रहा है। भारत माता की जय, श्री राम जय, श्री राम। बड़ा ही गर्व के साथ मुझे कहने में हर्ष हो रहा है कि इस रिकॉर्ड को बनते हुए देखने का मैं साक्षी बना हूं और मैंने ये अपने आप में ये भी एक तरह के एक्सपेरिमेंट है कि मैंने रिकॉर्ड को बनते हुए देखा, तो इस दावों को बधाई बहुत बहुत। शक्ति के साथ ये रिकॉर्ड बनाया है, हमारी तरफ से विकास पचौरी जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके मित्रगणों को जिनके सहयोग से उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, और पूरे विदिशावासियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं विधायक जी इसके साथ यहाँ पे उपस्थित आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि विकास पचौरी जी को कलेक्टर साहब के साथ साथ मैं पुलिस विभाग की तरफ से विकास पचौरी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस रिकॉर्ड बनाने के दौरान जो उन्होंने मुद्दे चुने, मैं चाहूंगा एक बार उस पर भी जरूर पब्लिक का ध्यान जाए, और बहुत समय तक बोलने के बाद आदमी कोई कोटा नहीं पहन सकता है, जो उसके मन में बात होती है वो बोल ही देता है। और मुझे खुशी है कि चाहे 60 घंटे का समय हो जब मैं आया था, या 80 घंटे का समय रिकॉर्ड पूरा हुआ था, हमेशा इनसे हमें सिर्फ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी मिली। ये बहुत गर्व की बात है सभी विदिशा वासियों के लिए, ये हमारे शहर के सदस्य है और अब इनकी वजह से विदिशा का नाम रिकॉर्ड पे अंकित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधायक जी को माइक देता हूँ और पुनः पुलिस विभाग की तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जो रिकॉर्ड करके तैयार किया है, इसके लिए शुरुआत इन्होंने बताएं तो 100 घंटे से करना चाहते थे सर कि मैं 100 घंटे लगातार चलूंगा, लेकिन सर ने कुछ स्थितियां देखी और उसके बाद में सर ने मन बदला कि नहीं अब हम इसे 80 घंटे ही करेंगे। इनका घटाना इसके भी लाजमी था कि इन्होंने अपनी ताकत देख ली कि मैं इसको नहीं कर सकता, उन्होंने पहले मतलब स्टार्ट होने के पहले उसको कन्विंस कर दिया कि हम 80 घंटे तक ही करेंगे। तो हमारे बुक में